आपने आपकी अदालत तो देखा ही होगा, आपने सत्यमेव जयते तो देखा ही होगा, आपने डॉक्टर फिल देखा होगा, आपने राखी का इंसाफ तो देखा ही होगा। आज मैं आपको जो शो बताने वाला हूँ, पाप की अदालत, डॉक्टर चिल, स्क्रिप्टमेव जयते और बाकी का इंसाफ है, यस द हिंदुस्तानी भाव शो। तो यूएस में एक शो है जहां पर डॉक्टर फिल करके होता है हिंदुस्तानी भाव की जगह पर, जो फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व करता है। कोई फैमिली का बंदा गिर निकला, किसी को कोई प्रॉब्लम है घर में, भाई आप ठीक है, ये मेरी प्रॉब्लम है, कोई किसी के साथ अफेयर चल रहा है, कोई बंदा या अपने माँ बाप को नहीं मान रहा है, ऐसे सब कंसेप्ट बेसिकली। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दद्दू ने आपकी जायदाद पड़ोसी के बेटे चिंटू के नाम पर कर दी? आपके पिताजी का काम वाली बाई के साथ वाला वीडियो सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड हो रहा है? आपकी गर्लफ्रेंड ने आपसे दहेज मांग लिया? मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। क्या आप हाई कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे या फूड कोर्ट जाओगे? नहीं, आप जाओगे पेज बाय पेज, स्क्रिप्ट बाय हार्ट करके। व्यूअर्स ने अनदेखी, क्रिटिक्स ने अनकही शो अन सुनी में, देखते हैं कुछ एपिसोड्स। माधवी को बताना चाहता है कि माधवी भी इसमें इंटरेस्टेड है और ये इसलिए बताना चाहता है ताकि माधवी इसे सारे रैंक्स में नंबर वन पहुंचा दे और इसका CGPA क्लियर हो जाए। ये बात सच है कि मैं ऋषभ से बहुत प्यार करती हूँ, पर इतना तमाशा हो जाने के बाद मेरी जॉब भी चली गई। मतलब ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे वो सच्चा वाला प्यार करता हूँ, मुझे तुम पसंद हो ऐसा नहीं है। अच्छा, तो ये लड़के का इसकी टीचर के साथ अफेयर चल रहा था बिकॉज इसको अच्छे मार्क्स चाहिए एग्जाम में। ये स्टोरी लाइन कहीं कहीं देखी देखी लग रही है, बताऊंगा नहीं, नहीं तो मेरा नाम खराब होएगा। मतलब ये कैसे बच्चे, सोचो मतलब कोई एग्जाम बहुत ज्यादा हार्ड है, सब बच्चे फुल कॉन्सेंट्रेट करके भी फेल हो रहे हैं और इसके 100 में से 100 आ रहे हैं। हाँ, बच्चों को अगर एग्जाम में कैंसर नहीं आता तो उनको चक्कर आते हैं, इसका तो टीचर के साथ चक्कर आ गया इसका। हम लोग दोनों साथ में आए तो बहुत बड़ा लोचा है कुछ तो। बोल बोल क्या लोचा है, बोलो। क्या ही बताऊं भाव, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है, बुढ़ापे में जवानी चढ़ गई हमारे पेरेंट्स को। जिस दिन हमारी शादी हो रही थी उस दिन इसकी मम्मी और मेरे पापा एक दूसरे के साथ भाग गए। ये तो रियल लाइफ इंस्पायर्ड है। यस, ये देखो, फाड़ में जाए से माँ बाप, धर्म कर्म करने की उम्र है और कर्म कांड कर रहे हैं वहां पर ये। ठीक है चल, वो तो भाग गए, पर तुम लोग दोनों ने शादी क्यों नहीं किया? कैसे होती भाव? यही कि अब तुम दोनों भाई बहन हो, समझे? अब गेम खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, फिर जिनका हस्बैंड और जिनकी वाइफ भागी है वो साथ में बैठे, अभी एक काम करो, तुम दोनों साथ में भाग जाओ। वो भागे, अभी तुम दोनों आपस में शादी कर लो, बच्चों को आपस में शादी कराओ। भाग गए उनका कुछ कर नहीं सकते ना, तुम लोग कर लो। यहाँ खड़े होकर भाषण देने से कुछ नहीं होता, जहाँ तुम खड़े हो ना, बाप तुम्हारा बिजनेसमैन है जिसकी वजह से ये भाषण दे रहे हो मुझे। लाड़ में आ रहा है मेरी बात देख, मारता है तेरा, बंद कर। पहले कैसा बात किया जाता है मालूम नहीं तेरे को? ये थप्पड़ मारने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। फिर इंटरव्यू में भाव को पूछा गया कि आप जो थप्पड़ विप्पड़ मारते हो क्या है वो, तो भाव ने कुछ ऐसा बोला, टोकने का नहीं, मेरे सामने अगर ऐसा कोई आएगा परिवार जिसके साथ अत्याचार हुआ है, जिसके साथ गलत हो रहा है, तो फिर वो मैं कुछ टाइम इनके नहीं बेटा ना मैं, कि मैं उसको बोलूं प्लीज ऐसा मत करिए। भाव अभी तो WWE ने भी अग्री कर लिया है कि वो स्क्रिप्टेड है, आप भी अग्री कर लो स्क्रिप्टेड है, ये भी WWE से कम नहीं है। मुझे मेरी माँ और मेरे बाप का डिवोर्स कराना है। क्या बोला? तुझे तेरे बाप को और माँ का डिवोर्स चाहिए? माँ बाप दोनों मिलके ये शो देखते होंगे, फिर तो बच्चे को डिवोर्स लगेगा ही ना, फिर तो डिवोर्स मांगेगा ही। अच्छा हो मैं सुबह से पहले मर जाऊँ तो। तुझे तेरे बाप को और माँ का डिवोर्स चाहिए, ये बता तेरी माँ क्या चाहती है? ये क्या एक्टिंग है एल्विस भाई? तेरे बोलने से और ना बोलने से कुछ नहीं होता बेटा, ये बता तेरी माँ क्या चाहती है? और माँ का ना कुछ समझ आता ही नहीं है। ठीक है, बच्चा डिवोर्स चाहता है, माँ से भी तो पूछो माँ क्या चाहती है उसकी। मैं अपने बेटे रोहन से और पति संजय से दोनों से अलग होके रहना चाह रही हूँ। वो बिल्कुल अपने बाप पे है, मैंने 20 साल दे दिए दोनों को, बहुत जी लिया इनके लिए, अब मैं अकेले जीना चाहती हूँ अपने लिए। मैं बोल रहा हूँ, ये आंटी का भी अफेयर चल रहा है, ये आंटी का भी अफेयर चल रहा है सच्ची। ये शो स्क्रिप्टेड है, मैं भूल क्यों रहा हूँ, स्क्रिप्टेड। क्या इतने अच्छे अच्छे एक्टर लेके आया, बहू भी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, भूल जाता हूँ कभी कभी। ये आराम नगर वर्सोवा का पूरा कास्टिंग उठा के लाया ये शो में।
चाहिए काम। यहाँ कोई काम मिलेगा? पर देखो जरा, कोई इंसान नॉर्मल लुक वाला है ही नहीं, सब साले सुंदर सुंदर। वो तो एक मम्मी बॉय बोलते है ना, वैसा है वो। उसका भी अफेयर चल रहा है, उसका अफेयर चल रहा है उसके बाप के साथ, लड़के का। यस। किसके किसके? कैसा कैसा? वो जो इसका हस्बैंड का अफेयर चालू है ना, उसके सौतेले बेटे के बाप के साथ। यस, अफेयर चालू है। कौन कर रहा है स्क्रिप्टिंग? किसी राइटर को कमरे में बिठाया, उसको दिया है व्हाइटनर, बोला व्हाइटनर सुन, एक बाप एक माँ एक बेटा एक बेटी, ये चार रिलेशन में जितना इधर उधर कर सकता है कर। जिसका जिसके साथ अफेयर, खुद के साथ भी अफेयर होता है तो लिख दे। मैं क्या करूँ बोलते ना, आशीष के हिसाब से मैं नेचुरली प्रेग्नेंट ही नहीं हुई थी, मैं एक्चुअली उस नायक की दवाई से प्रेग्नेंट हुई थी। फिर यहाँ पे हस्बैंड वाइफ को बाबा जी की बूटी वगैरह खिलाते रहता है, मतलब उसको बाबा जी पे ज्यादा भरोसा है वाइफ से। जो कर रहे ना उसको अंधविश्वास कहते हैं। अंधविश्वास समझता है? समझता है अंधविश्वास। जो ये शो को अभी भी रियल मानते हैं ना, वो होते हैं अंधविश्वासी। जान दे देंगे इसके लिए कि वो अपनी माँ के सामने मुझे एक्सेप्ट करे। ये आपकी बहू बन चुकी है तो उसे स्वीकार कीजिए। अरे ये मेरा बेटा इससे शादी नहीं करेगा। इसका बाप भी करेगा। ट्रिप हुआ लगता है, इतना जोर का डायलॉग मारा भाव ने लाइट ही चला गया मेरे घर का। ये मेरा बेटा इससे शादी नहीं करेगा। इसका बाप भी करेगा। इसका बाप भी करेगा तो थोड़ा वियर्ड नहीं हो जाएगा? मतलब मालूम है ये शो पे ये ऐसे ही सब होता है, लेकिन आप भाव अपने बॉडीगार्ड को भेजो, इसका बाप आता ही होगा। सेट तोड़ के अंदर घुसेगा हाथ में माला लेके, हाँ किससे करनी है? तानिया क्यों ऐसा किया आपके साथ? मैं बताती हूँ बाबू, हमारी शादी से पहले इनका अफेयर था, जो कि आजकल सबका होता है, सबका एक पास्ट होता है। लेकिन उस लड़की ने इनको सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए छोड़ दिया था। वो लड़की ऐसी है, वो अपने सपनों को लेकर अपनी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है। उसने सिर्फ इनको इसीलिए छोड़ा ताकि एक अमीर आदमी के साथ शादी कर सके, और जिससे उसने शादी की वो और कोई नहीं, इनका बॉस था। ये तो ऐतराज मूवी की स्क्रिप्ट है। माई न्यू वाइफ मिसेस सोनिया रॉय। कामयाब को किसी की जरूरत नहीं होती राज, वो अपनी कामयाबी को ही अपना हस्बैंड समझकर उसके साथ रह भी सकती है, और उसे ही अपना बच्चा समझकर उसके साथ खेल भी सकती है। शो ने खाली प्रोडक्शन में पैसा डाला है, राइटर्स में पैसा नहीं डाला है। कोई बोलेगा नहीं थगे शो है। का प्रोडक्शन लेवल देख के मेरे को भी जलन हो रहा है। थगे शो का प्रोडक्शन ये लेवल पे कभी पहुंचेगा या नहीं? क्या 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 लाइट्स वगैरह देख रहे हो? क्या है भाई, कौन अपना काला धन लगा रहा है बताइए। आई एम तान्या टंडन रॉय, वाइफ ऑफ मिस्टर राजेश रॉय। बच्चे कितने? बच्चों का अभी तक सोचा नहीं है, यू नो राइट नाउ वी आर जस्ट। बच्चे कितने? ये बच्चे कितने? क्या है भाऊ, ऐसा कौन पूछता है? यू नो राइट नाउ वी आर जस्ट बिल्डिंग आवर एम्पायर। सो या दैट्स अबाउट मी। तो ये ऐसे लोग ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अभी अभी मेरे पास टाइम नहीं, आई एम बिल्डिंग माय एम्पायर, नो व्हाट्सएप डीपी बिकॉज़ आई एम बिल्डिंग माय एम्पायर। अबे ऐसे ही लोग फिर ये वो एमएलएम में तेल बेचने का धंधा करते, बिल्डिंग माय एम्पायर, दैट्स अबाउट मी। तो बच्चे आपका पति देगा क्या बाजू वाले से लेगा? वो जैसे क्या भाव ने बिल्कुल संकोच नहीं किया ब्रो, नेवर हेजिटेट्स, ये शो नेवर हेजिटेट। तो उसको पता चलता कि मैं कौन है? बात करो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, जो बात बोल रहा है उसका जवाब दे। जानते हो मैं कौन हूं? अरे मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता है, तू कितना टंडन रॉय। अबे तेरा टंडन। देखो एक होते स्क्रिप्टेड शोज, एक होते नॉन स्क्रिप्टेड शोज जो स्क्रिप्टेड लगते, फिर आता है ये शो जो इतना स्क्रिप्टेड है, सबको मालूम है, लेकिन इतना खराब स्क्रिप्टिंग है मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? समझा, वो तेरे जेब में रखने का और तेरे बुड्ढे के जेब में रखने का, मेरे को मत डायलॉग दे, समझी क्या? मैं वैसी ही बात करता हूँ जैसा सामने वाला समझता है। ये एपिसोड रिलीज होने के बाद मिस्टर टंडन को उसके ऑफिस में कोई सीरियस लेने ही नहीं वाला है। रॉय, अबे तेरा मैं उसका एम्पायर बनने से पहले ही तोड़ दिया भाऊ। एक बार तुम बस इसका वीडियो बंद करके सिर्फ ऑडियो सुनोगे ना, तुम लोग बोले सब्जी मार्केट में कोई सब्जी वाला है, इनको ये आंटी झगड़ रहे। देखो मैं ब्लैक स्क्रीन कर देता हूँ, आप खाली सुनो। जानते हो मैं कौन हूँ? अरे मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता है, तू कितना रॉय। अबे तेरा टंडन। मगर आपके घर वालों को ये चीज मालूम कि वो गे है? आपने बताया?
नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा ना, मैं चाहकर भी इतनी अमीर फैमिली से शादी नहीं कर सकती हूँ। और कुछ वक्त के बाद अगर आपके घर वालों को ये पता चल गया तो? कुछ वक्त के बाद, तब तक मैं, कुछ वक्त के बाद जब इनके घर वालों को पता चल जाएगा ये ऐसे शोज में जाके एक्टिंग कर रहे हैं, घर वाले बहुत नाराज होंगे। बट कुछ वक्त के बाद जब ये शो का टीजर आ जाएगा तो सबको मालूम पड़ने ही वाला है ना, अगर वो गे है लोगों को नहीं पता, ओके उसके घर वालों को नहीं पता, तो इस शो का जब टीजर आएगा, अगर ये शो रियल होता, अगर ये शो, मैं क्यों भटक रहा हूँ, अगर ये शो रियल होता तो इनके राइटर्स इतना सीरियस नहीं ले रहे शो को जितना मैं ले रहा हूँ। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, माइक रॉक। अगर सत्यमेव जयते को यूट्यूब पे 144p में देखने जाए ना तो हिंदुस्तानी भाव का ये शो दिखेगा, बनना चाहिए। सुनिए, आगे बढ़ेगा। हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे बेटे का फ्यूचर बर्बाद मत कीजिए। भाई मेरे को तो कसम से लगता है ये शो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए बनाया है। हमने अनसुनी रस्ते पे लोगों को दिखाई और 10 में से 9 लोगों के कान से खून आने लगा और एक वो बहरा था। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। इस शो की स्क्रिप्ट के लिए बहुत रिसर्च करते हुए राइटर्स पकड़े गए सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल के डस्टबिन में। हेलो सर, मेरे को फिल्म में काम दीजिए यार। लोग टीवी शोज में काम करके फेम कमाते और फिर बड़ी गाड़ियों में घूमते। हिंदुस्तानी भाव लौते एक ऐसे इंसान है जो पहले गाड़ी में घूमे, अब शो तक आते आते उनका फेम खत्म हो गया। हिंदुस्तानी भाव अगर आपको नहीं पता तो फेमस हुए निकल, यस निकल वाले क्लिप से। अब शो देख के ऑडियंस भी वही बोल रही है निकल। अब ये शो अनफॉर्चुनेटली बिग बॉस जैसा भी नहीं है, और भाव के लिए अच्छा है कि बिग बॉस जैसा नहीं है, नहीं तो क्या परफॉर्मेंस के बेसिस पे वोट आउट कर देते। गलती से मिस्टेक हो गया भाव को, लेकिन बिग बॉस में ना कंटेस्टेंट की जगह पर बिग बॉस खुद होना चाहिए था, ताकि भाव के करियर की जैसा बिग बॉस भी खत्म हो जाए। आई थिंक दैट्स इट गाइस। वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो @Mahesh Keshwala, वहां भी हम ओरिजिनल रील्स डाल रहे हैं बहुत एक से एक, तो वहां पे जाके फॉलो कर दे। और पिछला वीडियो हमने और ही पे बनाया था, वो यहां पे टैप करके देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।